वैसे तो मूली के पराठे, मूली की पूरी अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे और भी ज्यादा स्वादिष्ट हेल्दी झटपट बनने वाला मूली का नया नाश्ता, जिसे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। कम मेहनत कम समय में तैयार होने वाला नाश्ता है, जिसे बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। तो आज हम इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को मूली से बनाने वाले हैं। तो मेरे पास आज छोटे साइज की मूली है, इसलिए मैं 4-5 इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपके पास बड़ी साइज की मूली हो तो 1-2 ही काफी है। तो सबसे पहले हम मूली के पत्तों को हटा लेते हैं और अब हम छील लेते हैं। मूली को छीलने के बाद धो लिया है और अब हम मीडियम साइज वाले कद्दूकस से कस लेते हैं। आप बड़े छेद वाले से भी घिस सकते हैं। और अब मूली को इसी तरीके से प्लेट में रहने दें और इसी टाइम डाल दीजिए 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 3 से 4 कद्दूकस किया हुआ लहसुन, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालिएगा, इसी तरीके से कस के डालिएगा, 1 मीडियम साइज का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। तो आप नींबू के रस के बदले थोड़ा सा खटास के लिए दही या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार और अब सभी चीजों को मिला लीजिए। तो इस तरीके से आप फटाफट सलाद के रूप में राइस के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये मूली का सलाद। फिलहाल हम इससे रेसिपी बनाने वाले हैं। तो नमक डाला है ना, इसलिए मूली से अभी ही इनका रस यानी इनका जूस अलग होगा। तो इस तरीके से मिला के हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ मूली में ज़्यादा रस होता है, कुछ में कम होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। और आप एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप यानी 4 चम्मच बारीक वाली सूजी। आप सूजी के बदले चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप साथ में डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। तो तीनों आटा मिला के ये नाश्ता बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। वैसे आप चाहें तो सूजी और बेसन की मात्रा और भी कम कर सकते हैं या फिर गेहूं के आटे की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर डाल दें, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। तो हम हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आप हल्दी स्किप कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप गरम मसाला भी चाहें दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो नमक हमने पहले ही मूली में डाल दिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर बना लेते हैं। तो बहुत पतला हमें बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा ही हम रखेंगे। फिर से पानी डालें और मिला लें। तो कई बार ही रोटी सब्जी बनाने का या फिर खाने का मन नहीं करता, और ऐसे में हम सोचते हैं कि झटपट बनने वाला ऐसा कौन सा नाश्ता बनाएं जो परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाए। तो आप इस तरीके से फटाफट इस मूली के नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है। थोड़ी देर के बाद हम 1-2 चम्मच और पानी डालेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखिए ताकि आटा बेसन सूजी फूल जाए। तो 2 मिनट हो चुका है। अगर आपके पास टाइम है दोस्तों तो 5 मिनट भी रेस्ट पे रख सकते हैं। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैं आज दही सोडा दोनों का इस्तेमाल नहीं कर रही, आपकी इच्छा हो तो दोनों थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बहुत गाढ़ा सा बैटर है और अब हम डाल देते हैं ये टेस्टी सा कद्दूकस किया हुआ मूली। तो मूली से बहुत सारे रस इनके अलग हुए हैं, तो बिल्कुल भी हम आज रस नहीं फेंकने वाले हैं, सारा का सारा डाल दीजिए। इसलिए हमने पहले बैटर को गाढ़ा रखा है। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो जैसे ही आप मिलाएंगे देखेंगे कि बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए हम थोड़ा पानी डालते हैं और मिला लेते हैं। तो हमें बहुत पतला बैटर नहीं रखना और ना ही बहुत गाढ़ा रखना है। तो टोटल मैंने 1 कप यानी कि 250 ml पानी का इस्तेमाल किया है। तो एक बारी मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ, देखिए इसी तरीके का बैटर होगा। तो चलिए बिना देर किए फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, थोड़ा सा ऑयल हम लगा देते हैं। तवा गर्म हो चुका है, फ्लेम को कम कर दीजिए। और अब हम 1 बड़ा कलछी बैटर सेंटर पे डालते हैं और हल्के हाथों से इस प्रकार फैलाते हैं। तो बस चिल्ले की तरह हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो हमने इसमें ढेर सारी मूली डाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा वरना टूट भी सकता है। तो बस तवे को ढकते हुए हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है। तो
जब ऊपर से पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी आपको ऑयल लगाना है या फिर घी लगाना है। वैसे इस नाश्ते को आप बिना तेल घी का भी नॉन स्टिकी पे बना सकते हैं। और अब हम पलटी कर लेते हैं, तो देखिए कितनी आसानी से पलट गया है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं। इसी तरीके से 2 मिनट तक और पका लें। तो लटते पलटते दोनों तरफ से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, तो बहुत ही अच्छे से पके हैं। तो बस बिना देर किए गर्मा गर्म हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा भी सिक्के तैयार है। कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 से 5 मूली के स्वादिष्ट चिल्ली बन के तैयार हो जाएंगे। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो मूली के पराठे पूरी तो हम अक्सर बनाते हैं, इस तरीके से चिल्ली भी आप ज़रूर बनाएं। तो साथ ही में मैंने धनिया पत्ती दही की चटनी के साथ सर्व किया है। ब्रेकफास्ट में अचार गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इस तरीके से झटपट ऑफिस के टिफिन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स या फिर हल्का फुल्का जब डिनर में खाना हो तब बना सकते हैं। तो दोस्तों मूली के चिल्ली की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आसान और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी सी सूजी भी डाली है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, सॉफ्ट भी है, जबकि हमने न दही डाला न सोडा डाला। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो कई अलग अलग तरीके के हम अक्सर चीले बनाते हैं, इस प्रकार आप मूली के चीले बनाएं, जिसे बनाना पराठे से बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।